हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी के सभी लोग। सो यहाँ पे मेरे पास है Realme 9 Pro। इसका यहाँ पे आज मैं कैमरा रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि भाई इसकी कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है। आपको तो पता है यहाँ पे सोनी का 50MP का यहाँ पे OIS वाला कैमरा देखने के लिए मिलता है। OIS का भी टेस्ट करूँगा, फोटो सैम्पल्स भी आपको बताऊँगा कि कैसे आते हैं। बाय द वे गिव अवे वगैरह चल रहा है, आप मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से कैमरा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो शॉट है मैंने मैक्रो पे लिया है भाई, मैक्रो पे वाला शॉट काफ़ी बढ़िया आया है, लेकिन और बेटर हो सकता था। इसके बाद ये वाला शॉट भी मैंने मैक्रो में लिया, कलर काफ़ी बढ़िया आए हैं यहाँ पे। इसके बाद मैंने ये वाला पोर्ट्रेट में लिया, ये भी काफ़ी बढ़िया आया है, काफ़ी नेचुरल कलर्स यहाँ पे आए हैं। और जो है बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी बढ़िया किया, एज डिटेक्शन भी काफ़ी बढ़िया है। ये मैंने सन के अगेंस्ट में नॉर्मल मोड में लिया है, ठीक ठाक सी फोटो आई है। उसके बाद ये वाला भी मैंने नॉर्मल में लिया है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला पिक भी मैंने नॉर्मल मोड में लिया है। इसके बाद ये वाला जो है मैंने 50MP में लिया है। और यार ये भी बता दूँ, यहाँ पे जो है नॉर्मल और 50MP की फ़ोटोज़ काफ़ी बढ़िया आ रही है। ये वाली मैंने नॉर्मल में लिया, काफ़ी बढ़िया पिक आई है। ये वाला 50MP में लिया है, काफ़ी बढ़िया पिक ये वाली भी आई है। ये मैंने 50MP में लिया है। डायनेमिक रेंज थोड़ा और अच्छा हो सकता था यहाँ पे। ये वाला जो है मैंने नॉर्मल में लिया, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया कलर कंट्रास्ट है। ये वाला मैंने AI नॉर्मल में लिया है, काफ़ी बढ़िया पिक ये आई है। ये मैंने AI 50MP में लिया है। दोनों ऑलमोस्ट मुझे सेम लगे, लेकिन जब जूम करेंगे तो वहाँ पे फ़र्क दिखेगा। ये मैंने AI नॉर्मल में लिया है। इसके बाद ये वाला जो है मैंने AI 50MP में लिया है। ऑलमोस्ट दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन वही जूम करोगे तो फ़र्क पता चलेगा। ये मैंने एकदम नॉर्मल में लिया है, ठीक ठाक सी पिक आई है। ये मैंने AI नॉर्मल में लिया है। और ये वाली जो है पिक है यहाँ पे मैंने नॉर्मल मोड में लिया। तो भाई देख सकते हो कलर का काफ़ी फ़र्क आ जाता है, AI में कलर काफ़ी बढ़िया बूस्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये वाला जो पिक है मैंने AI नॉर्मल में लिया, काफ़ी बढ़िया पिक ये आई है। ये भी मैंने AI नॉर्मल में लिया, काफ़ी बढ़िया पिक ये वाली भी आई है। कलर कंट्रास्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया आया है, इसमें डायनेमिक रेंज काफ़ी बढ़िया आया है, देख सकते हो AI नॉर्मल में। यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने AI नॉर्मल में लिया है। कलर्स थोड़े और बूस्ट कर सकता था इसमें, लेकिन इसने नहीं किया। ये मैंने AI नॉर्मल में लिया, काफ़ी बढ़िया पिक ये आई है। ये मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिया है, ठीक ठाक सी पिक है, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी बढ़िया है। ये भी मैंने पोर्ट्रेट में लिया है, ये भी अच्छी पिक आई है, बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी बढ़िया है, एज डिटेक्शन काफ़ी बढ़िया है। ये जो है मैंने नॉर्मल में लिया है, यहाँ पे कलर्स काफ़ी ज़्यादा फेड हो गए हैं। ये OIS है, ये मैं चलते हुए OIS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हो काफ़ी स्मूथर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो मैं फ़ोन और इसको साइड बाय साइड कंपेयर कर देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी बढ़िया ये जो है आया है। ये मैं वॉकिंग करते हुए आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये जो है मैं आपको थोड़ा सा दौड़ते हुए दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है। सो यस, OIS भी इसका काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। और ये मैं कुछ ज़्यादा ही दौड़ने वाला हूँ। और ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है। मैं बोलूँगा इसका स्टेबलाइजेशन काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं स्टेयर्स पे चढ़ रहा हूँ, यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है OIS में। सो यस, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। मैं बोलूँगा OIS इसका वन ऑफ दी बेस्ट है। आप देख सकते हो फ़ोन में इसको कितना शेक कर रहा हूँ, इसके बाद भी यहाँ पे जो है कितना स्मूथर ये गया है। यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने माइक्रो पे लिया है, ठीक ठाक शॉट आया है। ये भी मैंने माइक्रो पे लिया है, काफ़ी बढ़िया सा ये शॉट आ गया है। इसके बाद ये वाला देख सकते हो नॉर्मल मोड में लिया, सन के अगेंस्ट में काफ़ी बढ़िया ये वाला शॉट भी आया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अपन इस वाले की, तो AI नॉर्मल में लिया, कलर्स काफ़ी बढ़िया से इसने बूस्ट किए हैं, काफ़ी अच्छे ये कलर्स लगते हैं। ये भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आया है AI नॉर्मल में। उसके बाद ये मैंने AI नॉर्मल में लिया था। इसके बाद यहाँ पे जो है मैंने ये वाला पिक जो है पोर्ट्रेट मोड में लिया, काफ़ी बढ़िया आया है, एलिस्ट्रेशन काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये मैंने माइक्रो में लिया, ये थोड़ी ख़राब आ गई है फ़ोटो, कलर्स वगैरह काफ़ी बेकार आए हैं। इसके बाद ये मैंने एकदम नॉर्मल शॉट लिया है, ठीक ठाक सी फ़ोटो ये आई है। उसके बाद ये मैंने नॉर्मल में लिया, कलर्स फेड हो गए यहाँ पे, जो कि बेटर हो सकता था। ये मैंने लो लाइट नॉर्मल में लिया है। इसके बाद ये भी मैंने लो लाइट नॉर्मल में लिया है। ये दोनों पिक्स थोड़ी बेटर हो सकती थी, बट ठीक ठाक आई है। ये पिक थोड़ी बढ़िया आई है, मैंने लो लाइट नॉर्मल में लिया है। इसके बाद ये देख सकते हो ये भी मैंने लो लाइट नॉर्मल में लिया, थोड़ी सी बेटर हो सकती थी बट ओके पिक है। इसके बाद मैंने आर्टिफिशियल लाइटिंग नॉर्मल में लिया है, ठीक ठाक सी पिक आई है, कलर्स काफ़ी बढ़िया आए हैं। ये भी मैंने
यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटिंग नॉर्मल में लिया, इसके बाद ये जो मैंने पोर्ट्रेट में लिया आर्टिफिशियल लाइटिंग में, उसके बाद ये भी मैंने पोर्ट्रेट में लिया है। तो भाई यहाँ पे पिक्स तो काफ़ी बढ़िया आ रही है इंडोर लाइटिंग कंडीशन में, ये मैंने पोर्ट्रेट में लिया है इंडोर कंडीशन में आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ, ये भी मैंने जो है इंडोर में लिया है लो लाइट आर्टिफिशियल लाइटिंग के साथ, ये जो है लो लाइट में है पोर्ट्रेट, काफ़ी बढ़िया आया। इसके बाद ये मैंने नॉर्मल लिया सनसेट, काफ़ी बढ़िया पिक आई है। ये मैंने स्टारी मोड में लिया है, स्टारी मोड जो है रियलमी का काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी बढ़िया पिक्स यहाँ पे आई है। सो गाइस यहाँ पे कैमरा की बात करें तो भाई ओवरऑल मुझे कैमरा इसका काफ़ी बढ़िया लगा है, रियलमी 9 प्रो प्लस का काफ़ी बढ़िया कैमरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। सो यस, कैमरा के लिए आप इस फोन को ले सकते हो बिल्कुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सर सब्सक्राइब कर देगा, होप लाइक दिस वीडियो, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।